नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर हमारा खास शो बात मुक्ता की। कहते हैं पेट की भूख से बड़ी कोई भूख नहीं होती है। इस समय सरकारें समय समय पर दावा करती हैं कि इतने लाख लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया, देश में गरीबी और भूख जैसी कोई समस्या नहीं रहने देंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसी देश में गरीबों के लिए सस्ते और मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाती है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रही है, इसे 2028 तक बढ़ाया जा चुका है। हम 80 करोड़ का आंकड़ा देखें तो ये देश की आबादी का करीब 58% होता है। कई आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश की बड़ी आबादी की भूख और गरीबी से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई तब और बढ़ जाती है जब गरीबी के बीच घर में कोई बीमार पड़ जाए। दिल्ली एम्स के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सार्या ने एक स्टडी में रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्कर्ष निकाला। ये निष्कर्ष किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देता है। एम्स की स्टडी में पाया गया है कि इलाज का खर्च बढ़ने के कारण लोग पौष्टिक भोजन से दूर हो रहे हैं। एम्स ने 450 लोगों पर स्टडी की जिसमें परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार था और इसके इलाज पर परिवार खर्च कर रहा था। ऐसे 80% लोगों ने कहा कि उनके परिवार ने घी, दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे और तेल पर खर्च कम कर दिया है। वो अनाज, दाल और चीनी जैसी जरूरतें तो नहीं घटा पाए, लेकिन महंगी चीजों की खपत कम कर दी है। स्टडी एम्स के डॉक्टर अनूप सार्या की अगुवाई में की गई है। लोगों ने मेडिकल खर्च के कारण पौष्टिक आहार पर खर्च कम करने की वजह भी बताई। कहा अनाज और दालें सस्ती होती हैं, जबकि फल और दूध, मांस, अंडे महंगे। स्टडी में ग्रामीण परिवारों में शहर के परिवारों की तुलना में खाने पीने की चीजों में कमी 1.8 गुना अधिक देखी गई। जिन घरों में मरीज भर्ती थे वहां खाने की खपत में 1.3 गुना कमी आई। बीमारी के बाद न केवल खाने पीने की चीजों में कमी आई बल्कि खाने की गुणवत्ता भी कम हो गई। मेडिकल साइंस के अलावा ये सोशल साइंस के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी मानी जा रही है। इससे हमारे पॉलिसी मेकर्स को हकीकत का कुछ अंदाजा हो सकता है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्स दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सार्या, सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर आत्मा प्रकाश सिंह और डॉक्टर प्रियंका अरोरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अनूप, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपने ये जो फाइंडिंग्स दिख रही हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बार अपने शब्दों में इलैबोरेट करके बताइए कि क्या सैंपल साइज था, कितने लोगों पे आपने ये किया और क्या ये चौंकाने वाले जो निष्कर्ष निकले हैं। देखिए, आपने लगभग उसका निचोड़ है वो आपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ही लगभग रख दिया है। ये तकरीबन 441 हमारे दिखाने आए जो भर्ती हुए या ओपीडी में आए, इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और दूसरे विभागों के अंदर, उनके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि जब एक मेजर इलनेस को भी हमने डिफाइन किया कि जिसमें कि उनको तकरीबन 1 साल तक या तो अस्पताल में बार बार आना पड़ा इलाज के लिए या वो फॉलोअप के लिए या इस बीच बार बार वो एडमिट हुए, तो हमने ये पाया कि जो पेशेंट होता है उसकी न्यूट्रिशनल नीड तो शायद फैमिली पूरी करती रहती है, लेकिन जो उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि खाने की गुणवत्ता निश्चित रूप से बदल जाती है। आपने जैसे देखा कि वो प्रोडक्ट जो महंगे हैं, दूध, पनीर, नॉन वेजिटेरियन फूड, एग, फल, ये सारी चीजें, कि ये सब कम होता जाता है और वो उनकी रिलायंस एक तरह से सीरियल्स और उन्हीं पे, यानी चावल, गेहूं, इन्हीं से और छोटी मोटी सब्जियां, इन्हीं पर लगभग रह जाती है। दूसरी चीज ये है कि जब एक तो हमारे देश में हमने ये भी देखा इसके पहले की एक स्टडी जिसमें हम लोग एक पेपर पहले NMGI में छापा था, उसमें हमने ये पाया था कि जब भी मेजर इलनेस फैमिली में होती है तो उसका एक एम्पावरिशिंग इफेक्ट उससे पड़ता है फैमिली के ऊपर। वो बहुत सारी चीजें जिसपे वो खर्चा करते हैं इलाज के दौरान, उससे उनके बचत कम होती जाती है, बचत खत्म होने लगती है, कई लोगों को कर्जा लेना पड़ता है। ये हमने देखा कि जो लोअर इनकम ग्रुप था वो अपने परिचितों से ज्यादा कर्जा लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है
वो भी इससे एडवर्सली हिट होता है और उसको भी कर्जे लेने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जो जो अब हमारे साथ जब सामाजिक विज्ञान के लोग भी हैं शरीफ इस डिस्कशन में, तो कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा जो हमने इस स्टडी के दौरान पाया कि जो बच्चों की एजुकेशन है, करीब 10 से 15% बच्चे ऐसे थे फ्रांस में जिनकी की एजुकेशन अफेक्ट हुई, बच्चों को काम पे जाना पड़ा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन सबसे ज्यादा जल्दी हिट होती है। इसी तरह से बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जिनमें की स्पाउस को काम करना पड़ा, जो पहले काम नहीं करते थे वो छोटे छोटे काम करने लगे। इसके अलावा जो मनी लेंडर से उनको लोन मिलता है वो बहुत ही जिसे कहा जाए हाई इंटरेस्ट रेट होती है उसकी, और उसकी वजह से भी वो कर्जदार वो कभी अब से बाहर नहीं आ पाता और उसी एक साइकिल में फंस के रह जाता है। उसके जो रूरल एरियाज थे उसमें हमने देखा कि उनके मवेशी बिक गए, उनकी जमीन गिरवी रख दी गई। तो इस तरह की तमाम फैक्ट्स उसमें से निकल के आते हैं, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि अपने इस मुल्क में जिसमें बड़ी आबादी लगभग जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं या उसको सही मानों में देखा जाए तो स्टार्वेशन लाइन ही कही जाएगी, उस पे रहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। अगर आप अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें ये फैक्ट निकल के आया था कि तकरीबन 70% आबादी 20 रुपये प्रतिदिन पर किसी तरह गुजारा करती है। तो इन सूरत हाल में अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर के लिए फैमिली को करना पड़ता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी हमारा ऑफ द ट्यून ऑफ 70-80% होता है। तो ये आज की हालात हैं हमारे यहाँ, और आज जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ इवॉल्व हो रहा है, ओवर द इयर्स हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है और एक्सपेंडिचर जितना हमको हेल्थ सेक्टर में करना चाहिए शायद हम उससे काफी कम कर रहे हैं। डॉक्टर अब आत्म प्रकाश जी आपसे आपके पास आना चाहेंगे, आपने देखा जो स्टडी आई और जो चौंकाने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं, कहते हैं गरीबी रेखा के लिए थाली का बड़ा महत्व है, फल दूध सब्जी मांस अंडे, लेकिन ये कहने की बात है और आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। ये जो स्टडी आई है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बताइए आप इसका क्या मतलब निकालते हैं। धन्यवाद मुक्ता जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर अनूप जी और उनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश की शासन व्यवस्था सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। ये जो विषय है यह सामाजिक होने के साथ आर्थिक न्याय से भी जुड़ा है और जो मेरे देश के संवैधानिक मूल्य हैं उनसे भी जुड़ा है। चूंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमारा तो पूरा जीवन ग्राउंड लेवल पर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको डिवोटेड है। मैं तमाम जिलों में जाता हूं, जब मैं वहां के जिला अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि आप इस देश में आप अपने जिले में जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं उनकी स्थिति का अवलोकन करिए। मैं आपसे भी कुछ आंकड़े साझा करना चाहूंगा। इस देश में प्रतिदिन 67,835 बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें लगभग 1/3 लगभग 16,846 बच्चे जो है वो अंडर वेट होते। इस देश में पूरे विश्व की 19% बच्चों की आबादी है, 4.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से कम है, लेकिन 60% उनमें ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि विटामिन ए से 20,000 से ज्यादा बच्चे इस देश में प्रभावित हैं। वहीं यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो इस देश में महिलाओं की आबादी 60.460 करोड़ है। हम कहते हैं आधी आबादी का पूरा हक, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कहता है कि इस देश में जो महिलाएं हैं जो कुपोषण से जनित बीमारियां, हम कुपोषण को ये समझते हैं मुक्ता जी के खाने को नहीं मिलता, नहीं, कुपोषण का मतलब है हमें पौष्टिक खाना नहीं मिलता, हमें न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2022 की कहती है कि इस देश में 15.2% महिलाएं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है जो कुपोषण से जुड़ी हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि इस देश की 22.9% महिलाएं जो हैं वो अंडर वेट हैं, और भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार है, झारखंड है, दादर नगर हवेली है, एमपी है, गुजरात है, वहां पर कुल आबादी का जो हिस्सा है महिलाओं का 30% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो कुपोषण से प्रभावित है। अब कुपोषण कैसे होता है, हमें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, हमने विटामिन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं। तो जो पैंडेमिक के बाद की स्थिति है, इस देश ने देखा कि हमारे पास एक अच्छी इम्यूनिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का। तो जो डॉक्टर अनूप जी ने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है,
जो इलाज है वो महंगा होता जा रहा है। आप महंगाई के आंकड़ों की बात करें, 5.9% की महंगाई है, गांव में महंगाई 5.32% की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कहता है। तो यह सारा विषय समाज से जुड़ा है, संविधान से जुड़ा है, और मैं इसे एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर मानता हूं। और कुपोषण को मैं इस विषय से जानबूझकर जोड़ रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिट होता है वो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर क्लास फैमिली होती है। जो खनिज लवण है वो मिल नहीं रहा, जो वाइटामिन है वो मिल नहीं रहा है, इलाज जो है वो महंगा हो रहा है, सब्जियां मिल नहीं रही। आप भोजन शास्त्रियों के रिसर्चर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि साहब 300 ग्राम सब्जी जरूर होनी चाहिए, जिसमें 100 ग्राम सब्जी जड़ से जुड़ी हो, 100 ग्राम सब्जी पत्तेदार हो, 100 ग्राम अन्य हो, 60 से 80 ग्राम फ्रूट हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। और यदि मौका मिलेगा तो मैं इस विषय को संविधान से भी जोड़कर देखूंगा कि यह इस देश की सरकार की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि जैसा मैंने पहले बोला कि थाली का बड़ा महत्व है, लेकिन थाली में क्या क्या चीजें आ रही हैं ये देखने वाली बात है। डॉक्टर प्रियंका, एज अ डॉक्टर, इस रिपोर्ट का आप क्या मतलब निकालती हैं? यस मुक्ता, जैसा हमने अभी डॉक्टर अनूप और डॉक्टर आत्म प्रकाश से सुना कि ये खर्चा जो है वो सब लोगों के दिमाग और बॉडी दोनों पे असर दिखा रहा है, और जो पर्सन है जिसका इलाज हो रहा है उसका तो हो रहा है, लेकिन बाकी सारा परिवार जो है वो भूख से ग्रसित हो रहा है। अगर हम देखें तो 125 टोटल देशों की स्टडी में हमारा जो इंडिया है वो न्यूट्रिशन के लेवल पे 111वें नंबर पे आता है, तो जो ऑलमोस्ट बॉटम में है, राइट? तो इसका मतलब कि हम ओवरऑल हम पूरे माल न्यूट्रिशन में जा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो महिलाएं और बच्चे, इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जो कि अगर आप देखो तो बच्चे फ्यूचर हैं हमारे इंडिया का, राइट? अगर उन्हें ही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अभी भी जो डाटा हमें बताता है कि जो बच्चे 3 साल से उम्र के कम हैं वो उनमें से 78% बच्चे माल न्यूट्रिशन हैं और वो अंडर वेट हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी सामान्य वेट नहीं है, वो गलत कुपोषण की वजह से ओवरवेट में जा रही हैं, या तो इधर लाइन के या तो उधर लाइन के। एब्सोल्युटली हेल्थ रेंज में बच्चों की, महिलाओं की संख्या पुरुषों के अपेक्षा बहुत कम है, और धीरे 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 पुरुषों का नंबर भी माल न्यूट्रिशन में बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें इस बात पे 100% ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस बात पे जागरूकता कैसे ला सकते हैं। पहला कि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हम इस तरीके का समाधान लाएं कि हम हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कम कर सकें, और दूसरा हमें ये भी जागरूकता लानी है कि हम न्यूट्रिशन की अवेयरनेस कैसे बढ़ा पाएं, ताकि जो लोग अभी बीमारी से ग्रस्त नहीं है अगर वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली वो और बीमार हो जाएंगे और इसी विशेष साइकिल में पूरा परिवार फंसता चला जाएगा। तो हमें जो आप थाली का महत्व बता रही हैं, हमें उसको बहुत अच्छे से इस बात को समझना और समझाना सब हमारे जन समाज को ये पड़ेगा कि हमने एज अ डाइट पार्ट, हम डॉक्टर्स ये देखते हैं कि मैक्सिमम जब हम कैलोरीज को देखते हैं तो कैलोरीज तो मीट करते हैं लोग, लेकिन सारा न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट से जा रहा होता है, क्योंकि फिर भी गेहूं और दालें सस्ती मिल जाती हैं तो हम उसी से अपना पूरा खाने का व्यवधान करते रहते हैं। फल सब्जियां जो कि प्रोटेक्टिव फूड माने गए हैं, जो कि हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं, उन पे से खर्चा कम कर दिया जाता है, और उस पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां, कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो हमें आवश्यक रूप से इस अपनी थाली में डेफिनेटली उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। मे बी हम सेशन में आगे इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप, जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने भी कहा कि सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस की भी है कि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। चलिए जो बीमार हैं वो तो उनके साथ तो अलग परेशानी है, बजट खराब हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ठीक हैं वो भी उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, वो भी अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा पहलू है, शायद अवेयरनेस भी अभी नहीं है उतनी। जो रईस लोग हैं उनके घर भी जो खाना खाया जाता है वो दरअसल अनहेल्दी फूड ही है। आज अगर आप देखें तो बच्चे भी बड़े बड़े पैमाने पर जो मिडिल क्लास के अंदर भी बच्चों के अंदर आप फास्ट फूड का सेवन ज्यादा होता है। तो इसकी बात ये आपका कहना ठीक है कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम इस मुल्क में जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं
वो अवेयर होने के बाद भी शायद इस हालत में नहीं कि बैलेंस डाइट या बैलेंस फूड या हेल्दी फूड ले सके। ये एक असलियत है इस मुल्क की, क्योंकि पैसा ही नहीं। बिल्कुल, ये दरअसल हेल्थ अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये राजनीतिक मुद्दा बनता ही नहीं। तो बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही, इतना ये एक बड़ा मुद्दा है और हमसे आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन तो भी हम इसको पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आत्मप्रकाश जी, यही बात मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि क्या ये कॉस्टली और अन अफोर्डेबल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत दिखाता है? मैं डॉक्टर अनूप जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो सस्ते इलाज का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। 18 दिसंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस देश के लोगों के पास राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21। हम एक फंडामेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक न्याय इस देश के सरकारों से यह आशा करता है कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा। अनुज जी ने उन आंकड़ों से देश का परिचय कराया, सरकारों का परिचय कराया। मैं सरकारों की जिम्मेवारी पर, जो इस विषय से जुड़े हैं, एक अगले दो मिनट में रोशनी डालना चाहता हूं। हमारे देश के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक चैप्टर है जो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि आपको इस देश का संचालन कैसे करना है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 लॉ ऑफ द लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, वो कहता है कि इस देश की सरकारें पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाएंगी, मजबूती प्रदान करेंगी। सॉरी टू से, पिछले 75 सालों में इस देश की सरकारें कोई भी हो, वो फेल रही है। आर्टिकल 38-39 सेम चैप्टर का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहता है कि हम एक ऐसे सोशल ऑर्डर की परिकल्पना करेंगे जहां पर वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हो। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर अनूप जी इस बात की गवाही करेंगे, इलाज इतना महंगा हो चुका है कि मिडिल क्लास की जेब से भी बाहर जा चुका है। आर्टिकल 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है, उस बच्चे की और बच्चे को जन्म देने वाली माँ की जो सुरक्षा है, वो सरकार करेगी। आप देख लीजिए मैटरनिटी पर कितने खर्चे हैं, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो लाखों के बजट में जाते हैं। आर्टिकल 243 जी इस देश की म्युनिसिपैलिटी को कहता है कि जहां जहां आपका जुरिस्डिक्शन है, आप अपने जुरिस्डिक्शन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाइए। आर्टिकल 39A डीपीएसपी का कहता है कि सरकारें लोगों के रोजगार को बढ़ाएंगी, सस्टेनेंस को बढ़ाएंगी, और इन सभी विषयों को, अधिकारों को समेटते हुए अनुच्छेद 37 कहता है सरकार बच नहीं सकती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा यह सरकारों की जिम्मेदारी है, जैसे जैसे उनके पास संसाधन आएगा इन सारे विषयों पर वो कानून बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, और आज ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। चूंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूं, मैं इन सारे मुद्दों के बीच रहता हूं, मैं मानता हूं कि जो महंगा खर्च है उसकी वजह से हमें पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। और बात केवल भारत के संविधान की नहीं है मुक्ता जी, बात यूडीएचआर की है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की है, ICSSR की है, वर्ल्ड फूड कन्वेंशन की है, जो बच्चों को लेकर कन्वेंशन हुआ उसकी है 1989 में। इन सारे कन्वेंशन ट्रीटीज में एक ही बात कही गई है कि आप अपने देश के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाएंगे, आप अपने देश के लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को उठाएंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहती है कि कब तक स्टार्वेशन से लोग मरेंगे, कब तक अच्छा खाना ना मिलने से लोग बीमार पड़ते रहेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 से भारत में चली आ रही है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहती है सरकारों को, अब तो नींद से जागो, अब तो कुछ करो। तो मैं डॉक्टर अनूप जी का कितना धन्यवाद करूं। PUCL में भारत के सुप्रीम कोर्ट कहती है कि PDS व्यवस्था मुक्ता जी फेल हो चुकी है, टारगेट डिलीवरी सिस्टम फेल हो चुका है, मिड डे फेल हो चुका है। तो इस पूरे समाज को, समाज की कंसियसनेस को, सरकार को जागने की जरूरत है कि महंगा इलाज सस्ता हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि इस तरह के जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो हम सबसे जुड़े हुए हैं, वो भी राजनीति के चक्कर में वो भी खत्म हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। लेकिन अनूप जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सारी बातें हम समझ गए और सभी लोग देख रहे हैं, हम आप हर आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, सही बात है, महंगी महंगे ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक आदमी बीमार हुआ तो हम सबका बजट भी उसी तरह से बिगड़ जाता है, तो हर आदमी वो परेशानी समझता है। बट हाउ टू वी एड्रेस दिस इशू, इसका हल क्या है, कैसे इसको एड्रेस करें? आप बात कह रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि ये एक राजनीतिक हल ही निकल सकता। जहां तक सवाल है हेल्थ पॉलिसी का, तो अभी हम सिर्फ अगर उसे ट्रीटमेंट बेस्ड बात करेंगे,
यानी अस्पताल में ट्रीटमेंट कैसे मिले, तो शायद हम हेल्थ की प्रॉब्लम से बहुत दूर चले जाएंगे। दरअसल हमारी अप्रोच ही डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बेस्ड अप्रोच ना होके ट्रीटमेंट बेस्ड अप्रोच होती जा रही है। आज बीमारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ना मिलना, हाउसिंग, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो दरअसल बीमारियों को जन्म देती हैं। काम करने वाले लोग एक अनसेफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की हालत खराब है, सब कुछ है। अब अगर हम सिर्फ उनके इलाज की बात करेंगे तो शायद हम इस पूरे हेल्थ सिस्टम को सुधारने की से बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, जिनकी वजह से जो जिसके बेसिस पे उनको ये डिनाई किया जाता है। अगर आप देखें तो एक पैराडाइम शिफ्ट हेल्थ के अंदर आया है। एक वक्त था, आज हमने क्या किया है, इक्विटी को दरअसल एफिशिएंसी से हमसे रिप्लेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट को हम फिजिकल ग्रोथ से रिप्लेस कर रहे हैं, और यूनिवर्सैलिटी को हम दरअसल एक्सक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये दरअसल एक बड़े हिस्से को हेल्थ केयर से दूर रखेगा, और हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी वो नहीं है जिसमें हम इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बहुत दिनों से आप लगातार देखिए, आप ये अभी आपने जिक्र किया अफोर्डेबल हेल्थ, मैं तो कहता हूं कि राइट टू हेल्थ अपने आप में एक राइट है। अफोर्डेबिलिटी का सवाल तो आता ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो ये अफोर्डेबिलिटी नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि हेल्थ केयर मुहैया कराए। और इसके लिए हम शुरुआत, एक तो पॉलिसी, दूसरा बजटरी एलोकेशन, प्रोविजनिंग भी करनी है। हम लगातार अगर हेल्थ बजट 1% के लगभग रखेंगे, आप देखिए वेस्ट के अंदर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जहां बर्डन ऑफ डिजीज कम है और पीपल्स एबिलिटी टू पे ज्यादा है, वहां पे भी उनका बजट जो है वो 12-18% तक होता है, यानी 10% से ऊपर। और हाँ, बर्डन ऑफ डिजीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से तकरीबन 40 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे पुश हो जाते हैं। उन सूरत हाल में हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये बेमानी बात है। हमें तो लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, और ये सरकार को कहीं ना कहीं हेल्थ बजट बढ़ा के और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके ये इसको हल करना होगा। दूसरा सवाल जो मैंने कहा कि गरीबी से जुड़ा हुआ है, गरीबी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कैसे हल होगा, इसका भी एक राजनीतिक समाधान ही संभव। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट पीरियड वाली बीमारियों के ट्रीटमेंट और खासकर रिकवरी में अच्छा खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉनिक डिजीज से जो गुजर रहा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जो लोग फिट हैं उनके लिए कितना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब ये बताइए। यस मुक्ता, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना केवल जब हम बीमारी से गुजरते हैं, जैसे डॉक्टर अनूप ने भी बोला कि सबसे पहले जो ध्यान है वो बेसिकली हमारा हेल्थ केयर में क्योर पे जा रहा है, केयर पे जा रहा है, प्रिवेंशन से हट रहा है। ठीक है, हम ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से ऐसे भोजन हैं जिनकी वजह से आप बीमारी से बच सकते हैं, आप क्रॉनिक मैनेजमेंट से बच सकते हैं। दूसरा समस्या क्या आ रही है कि अगर हम इन पोजीशंस में जाते भी हैं, सपोज समबडी इज गोइंग फॉर वेट मैनेजमेंट, तो उसमें भी सबसे बड़ा प्रोपेगंडा क्या चल रहा है, बहुत फैंसी फूड्स का, कैलोरीज एकदम नील कर देने का, वो अपने आप में रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ से वो पर्सन एक तो उतना महंगा खाना खा नहीं सकता जो उनको फैंसी तरीके से बताया जाता है, और दूसरा जो आपको कैलोरीज रिड्यूस करने से, बहुत कम करने से आपका एक्चुअल न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो हम सबको ये समझना है कि हमें हर, जैसे हमने पहले भी बैलेंस की बात की, तो हमें हमारी थाली में ये देखना है कि हमारी थाली में जो 3/4 पोर्शन है वो कम्प्लीटली आपका प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स से कम्प्लीट होना चाहिए, और 1/4 पोर्शन में आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आना चाहिए, या मैक्सिमम 40% तक। आप कॉम्बिनेशन जो डाइट लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम एक छोटी सी बात ये जान लें कि हम हर पर्सन को कम से कम 30% फाइबर
बीमारी से बचने के लिए चाहिए, इसी बात पे ध्यान देके पूरे खाने को प्लान किया जा सकता है। और मैं ज़रूरी रूप से ये कहती हूँ कि सिर्फ ये ध्यान देने की बात है, मैनेज करने की बात है, और अगर हमने इसको जीवन में अपना लिया तो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से या तो हम बच जाएंगे, और अगर हैं तो उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। हो क्या रहा है कि जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो 6-7% से ज़्यादा फाइबर है ही नहीं है फूड में। अगर वो है ही नहीं है तो वो किस तरीके से हमें बीमारियों से बचाएगा? अब फाइबर आएगा कहाँ से? अगेन वेजिटेबल से आएगा, फ्रूट से आएगा। बहुत महंगे फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मौसम के फल मिलते हैं, जैसे कि आपको जब अमरूद मिल रहा है, ठीक है, आपको संतरा मिल रहा है, आपको नॉर्मल तरीके के जो वाटरमेलन है, जो मौसम के वाटरमेलन है, खरबूजा है, जब आप ये भोजन लेते हैं आपको डेफिनेटली प्रचुर मात्रा में उनसे फाइबर मिलता है। उसी तरीके से वेजिटेबल में जो आपकी हरी सब्जियां हैं, मौसम की जो सब्जियां हैं, वो चाहे आपका पालक है, मेथी है, तरह तरह के साग हैं, इन सब से आपको घी या तौरी प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स मिलते हैं। ये हमें मैक्सिमम बीमारियों से बचा के रखते हैं और इवन रेदर हमको ब्लड को सर्कुलेट करते हैं ताकि कोई भी कार्डियक इश्यूज बॉडी में नहीं एमरजेंसी की तरीके से आए। दूसरी बात जहाँ पे प्रोटीन पे आता है, कभी भी ये कहना कि पूर्ण रूप से एकदम मिल्क नॉन डेयरी डाइट पे चले जाना या फिर खर्चा घटाने के कारण से मिल्क और पनीर जैसी इन सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को एकदम पूरी तरीके से कट कर देना गलत है। इनको अपनी बॉडी में ज़रूर से ज़रूर आपको स्थान देना चाहिए और पर्सन को जानना चाहिए कि हर आपका जितना वेट है, सपोज एक पर्सन का 70 kg वेट है, उनको अराउंड 0.8 g पर वेट उनको चाहिए, तो अराउंड 60 g प्रोटीन हर पर्सन को हर अवस्था में हर दिन इतनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। जैसे ही हमारा ध्यान इस बात की तरफ जाएगा कि हम प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स इन सबको पूरी तरीके से अपनी डाइट में समाहित करें, तो हमारा अपने आप इस बात से हो जाएगा कि हम अन्न जितना ले रहे हैं, गेहूं जितना ले रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, और उसमें भी वाइट गेहूं, मतलब मैदा जिस तरीके का या जो आटा है वो फाइबर लेस है, वो सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रहा है, वाइट शुगर्स बीमारियां पैदा कर रही हैं। अगर हम ये वाइट हटाते जाते हैं और इनको ब्राउन से रिप्लेस करते जाते हैं तो भी बीमारियों का समाधान अच्छे तरीके से हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि बैलेंस डाइट जरूरी है और ये सबको फॉलो करना चाहिए। चलते चलते अनूप जी आपसे भी और आत्मप्रकाश जी आपसे भी एक ही सवाल है, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें क्लेम करती है, थाली तक अच्छा भोजन पहुंचाने की बात करती है, मेडिकल इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, और फिर भी जब ये आंकड़े आए तो ये है जो कि बहुत बेहद ही चौंकाने वाले हैं। तो क्यों आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से और क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए जिससे कि हम इसे बेहतरी की तरफ ले जा सकें? एक चीज तो ये है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो शायद हम एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाए। हमको जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले स्ट्रेंथन करना है और इसी को बढ़ाना है, यानी वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा सोच। दूसरी चीज, सबसे पहले इसके लिए हेल्थ बजट को बढ़ाना। देखिए आप लगातार, चाहे आप UPA 1 से UPA की सरकार हो, चाहे NDA फर्स्ट हो या NDA की बात की दूसरी सरकार हो, या हेल्थ पॉलिसी 2002 डॉक्यूमेंट हो या न्यू हेल्थ पॉलिसी हो, इन सब पॉलिसीज के अंदर हमने ये बात बार बार कही है कि हम हेल्थ बजट को बढ़ाकर मिनिमम 3 साल में 3% और अप टू 5% बढ़ाएं। लेकिन इन सब के बावजूद 1993 ऑनवर्ड्स कोई हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ बजट बढ़ा हो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो है वो ये कि एक तरह से अगर आप देखें मुदालिया कमेटी के बाद से, जो इवन जो रूरल एरियाज के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या PHC होते थे और ऑडिट करने की जरूरत थी वहां पे, वो काम कहीं ना कहीं रुक गया है, क्योंकि मुदालिया कमेटी ने कम से कम एक एक बड़ी मोटी बात एडमिट की थी कि ये सारी जगह डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा हैं, और उन सब के बावजूद भी जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी वो दरअसल एफिशिएंसी बढ़ाने की तरफ ले गए और एक्सपेंशन को रोकने की बात थी। तो उसके बाद से ये थोड़ी थोड़ी हेल्थ सिस्टम जो है
वो एक तरह से डिरेल होता चला गया। और अब हम ये इंश्योरेंस बेस पे अगर जाएंगे तो इसके अपने खामियाजे हमको भुगतने पड़ेंगे, ये नुकसान देगा। जो पैसा हम इंश्योरेंस का सरकार प्राइवेट सेक्टर को देती है, अगर वही सरकारी क्षेत्र में लगे तो शायद उससे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा लोगों को पहुंचेगा, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा जाता है वो बहुत लिमिटेड और कम है। तो कम लोग जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे भी इसका जवाब जानना चाहेंगे। मैम, केवल दो पैरामीटर से इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए, जैसा प्रियंका जी ने कहा कि हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत होगी कि जरूरी नहीं केवल महंगे फल ही खाएं, महंगे सब्जी ही खाएं, लेकिन आपको पौष्टिक आहार की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए अपने जीवन के लिए। और दूसरा विषय, जैसा मैंने कहा, वी हैव सो मैनी राइट्स, कन्वेंशन, डायरेक्टिव्स, पॉलिसी, जजमेंट्स। जरूरत है पॉलिटिकल विलिंगनेस की कि हम ये जो स्वास्थ्य का अधिकार है, पौष्टिक खाने का अधिकार है, इसे अनुच्छेद 21 से जोड़े, फंडामेंटल राइट से जोड़े और इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। तो अगर इन दो विषयों को हमने एड्रेस कर लिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस देश के लोगों के थाली में पौष्टिक आहार भी होगा और सस्ता इलाज भी होगा उनके जीवन में। तो आज ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम सब ये फेस करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी हर रोज ये फेस करता है कि अगर आपके घर में एक आदमी किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया तो पूरा बजट खराब हो जाता है, खान पान, रहन सहन सब कुछ में बदलाव आ जाता है। तो जैसा कि आपने हमारे मेहमानों की बात भी सुनी कि बहुत कुछ, एक तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की भी जरूरत है, दूसरी बात यह है कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप सरकार को भी लेने की जरूरत है जिससे कि हम बेहतर चिकित्सा का लाभ भी ले सकें और हमारे जेब पर भारी भी ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।